ठंडा कूल हो गया मामला। हाँ जी मैडम दो इंट्रो। सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अवर महाजन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सभी का स्वागत है फिर से एक ब्लॉग में। ये मैंने दो बार कर दिया ना। हाँ तो कोई नहीं भाई, अभी आप ये मान लो हम लोग आ चुके हैं आज चांदनी चौक, क्योंकि आज भाई मैडम को करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग। अब शॉपिंग क्या है वो हम आपको नहीं बता सकते, बस समझ जाओ चांदनी चौक आए, थोड़ा बहुत लग्जरी वाला हिसाब है तो समझ जाना कि क्या शॉपिंग हो सकती है। मैं हालत इसलिए क्या ये देख लो, सोना सुंगने वाली चढ़ना वाली ना। आज कैसे कर रहा था, कहाँ कर रहा है बाहर का आ रही है, गर्मी है बहुत। आपको ये हालत दिख रही होगी हमारी, क्यों? क्योंकि भाई अभी हम बाइक पे आए हैं पूरे रास्ते, और कितना दिखाया था, एक घंटा दिखाया था ना, 47 मिनट्स दिखाया भाई, और धूप धूप में हालत इतनी बुरी हो चुकी है। और तुम्हें पता है कि भाई हमें पता है कि बार बार खराब ना हो कुछ ना हो, तो भाई मैंने हेलमेट नहीं पहना था। बाकी तुम लोग बोलोगे कि भाई सेफ्टी बचा बचा के निकाल के लाए, यस तो तुम लोग बोलोगे कि भाई सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं भाई, पर कुछ कुछ जगह पे बंदे सेफ्टी नहीं लेते। ए सेकंड तूने आके देखा, तेरा कितना गंदा दिमाग है, मैंने इतनी देखी। हाँ ये मैं डाली, मैं तभी डाल दी तू, यहाँ बढ़िया लाइट आ रही है। तो अब आज करते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आपसे मिलते हो थोड़ी देर में, ठीक है? लव यू। शेरवानी क्या लाइट बढ़िया आ रही है, यही ब्लॉग कर लेते, चलो ओके। पूरे दिन यही ब्लॉग करेंगे, एक ही जगह बैठ गए, क्या है तस्वा, यही ब्लॉग करेंगे, ठीक है चलो। ये ना बड़ी चंट है, इसने मेरे को बोला कि मतलब इसको, मतलब जब अभी पिछली क्लिप थी ना तो उसमें मेरी थोड़ी बहुत वो दिख रही होगी नोजी, और मेरे को बता भी रही नोजी लगी बड़ी है, बट कोई नहीं है, तुमसे क्या छुपाना नोजी वोजी, तुमने पता नहीं क्या क्या देखा हुआ है। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे अलग अलग बाल हुए पड़े हैं, गंदा लग रहा, सो के उठो कुछ उठो तो ना सारे रूम देखे हो, तू तो कह रही नोजी दिखी है, कोई नहीं मेरा क्यों भला जाएगी, वही बात है ना। अरे ले रू चल भाई, जाने को बोल रही थी अभी, अबड़ा नहीं, अभी तू कहती कहाँ चलना है, इतनी जल्दी नहीं जाना। अरे यार अभी क्या हुआ, अभी हम आ रहे थे तो एक रिक्शा वाले भैया आए, उन्होंने मेरे को देखा, कहते वो सलमान खान, तो कहती आए मेरे सलमान खान, मैं बेटा सलमान खान तो पूरी जिंदगी जीने भी है याद रखियो, नहीं फिर तू सलमान खान है, हाँ तो नहीं हूँ ना, मानती है ना, तो तूने क्यों सलमान खान बोला मेरे को, मैं बस खुश होकर बोल रही थी, तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरी खुशी भी मेरी खुशी है, पक्का 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 ठीक है। अरे बढ़िया बना हुआ है, एक बार आपको बैक कैमरा करके दिखा दूँ, देखो ओ मैक्स, अभी आपको बैक कैमरा करके दिखा दूँ कैसा लग रहा है, ओ मैक्स ओ मैक्स। दुबई में पहला दिन है हमारा आज, क्या व्हाट द फक, दिस इज दुबई मैन, या हबीबी, दुबई में हमारा स्वागत है, और ये हम आ चुके हैं बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा थोड़ा बहुत रेनोवेट हुआ है तो अभी ऐसा दिख रहा होगा, इसी में ही मजा है, यही मजा है, सारे शेख बैठे होते ऊपर रात में शाम में, क्या बताएगी, बता दे क्या बताएगी, चौड़े ना वहाँ होते हैं जहाँ ये तो मैं डालूंगा, ये तो मैं डालूंगा, ये तो ऐसे सीखो, तू इतनी डबल मीनिंग बातें क्यों करती है, तेरे ये बात तो था, तू किस पे गई है, अब बोलेगी मेरे पे गई है, ये तो ऐसा लगूंगा मैं कुछ टाइम में, काम का जाइ जा रहे क्या क्या आओ है, तारा है ये देख हमारी फैमिली फोटो कुछ ऐसे होने वाली कुछ सालों में, येरी तनु ग्रीन में तेरा मैं साथ में भाई, कुछ सालों में बोला यार, अभी थोड़ा ना, अभी थोड़ा ना करनी है शादी यार, यस तेरी बैचलर लाइफ बहुत जरूरी हो, ओके शाम में आए हमारा इवेंट, अबे दुबई भाई पिंडे जट जट कहते हैं दुबई जाना शेख, मिलियो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखियो लव
क्या होगा देखो तनु यार, तू इतनी गंदी बातें क्यों करने लग गई भाई, और वो भी इतनी डबल मीनिंग बातें ऊपर ऊपर से। आई मीन व्हाट द फक मैन। अरे बट यार क्यूटी है, कुछ नहीं वो दिखाते बुर्ज खलीफा से तो मैं व्यू ये था भाई चांदनी चौक के मधे। हालत बुरी हो रखी है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैंने उसको भगवान मेरे को और इसको लंबी उम्र देना, ताकि हम लड़ते रहे, ताकि हम लड़े, हम प्यार ना करें, हम लड़े। रजौरी की सबसे मोटी सामी घूम रही है हमारे आगे। एक बार चश्मा दिखा दे अपना चश्मा। बबरी ये बड़ी बहन है भाई, तब इसको प्यार दिखा देना, परीदी बख्शी ऐड कर दो इसको, प्यार की जरूरत है अभी। Why are you चलो भाई तीसरी दुकान पे चलते हैं, नहीं तो उससे पहले मैं दोनों से पिट दूँ भाई। और किसी से पिटना बेटा मुझसे जरूर पिटेगा। ये तो है, पर एक भाई बहन से पिटता है याद रखियो। मेरा तो हक भी है। अभी ठीक है, पसीना देख रहे हो भाइयों कितना आ रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है भाई। बाकी तुम ले लो चांदनी चौक के मजे। और अभी तक हमने क्या दो दुकानें कवर कर ली है ना, बट अभी तक मैडम को समझ नहीं आया, बल्कि मेरे को भी समझ नहीं आया। और हम लोगों की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, अभी नहीं बताने वाले, कुछ महीनों में पता लग जाएगा आपको कि चांदनी चौक क्यों आ रखे। चांदी जी हेलो, आंटी का डांस बहुत अच्छा है, डांस कर दो आंटी। ये तो काट दूंगा, चलो कोई नहीं, कि बहन गुस्सा हो गई, मनाना पड़ेगा, पर वैसे नहीं मनाऊंगा जैसे तू सोच रही है भाई। थोड़ा तो वैसे मना यार, कुछ खिला दूंगा, कुछ खिला चल चांदनी चौक पे, वो सुने परांठे वाली गली वहां पर खिला दूंगा, खाना बहुत अच्छा है वहां के छोले भटूरे। चल ठीक है, फिर मान जाएगी ना मक्का, लाखों की तो डील नहीं है, वो तो करोड़ों की बन जाएगी भी जल्दी से, तेरे व्यूज अच्छे आ जाए तो। प्लीज भाई व्यूज लाओ, मेरे को बहुत जरूरत है इस टाइम पे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाय भाइयों, ये चांदनी चौक की गलियां, कोई गली में इतनी सुंदर लड़की ऐसे घूम रही है। उससे तीन दुकानें अभी तक देख ली हमने और हाल बुरी हो चुकी है भाई, बिल्कुल आदत ही नहीं रहेगी शॉपिंग वॉपिंग करने की। ये कहाँ उतर गई तू, कितना टाइम बताइए चांदनी चौक? 7-8 महीने बाद। इन मैडम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी, कोई नहीं चलो। आप क्यों नहीं आए? तो क्या हो गया, कुछ पाए चलते आगे बाय। अजीम हो यार यार, छोड़ दो छोड़ दो भैया, कुछ भी बना दो, बाकी सुंदर है सुंदर लगेगी। देखो कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, नजर ही नहीं, ऐसा कर रहा है, कॉलर बना रही हूँ। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? अबे तू चुप कर, काला कपड़ा लगा दे, मेरे काले कपड़े दे दो, काला कपड़ा दे, काला कपड़ा दे ना, मैंने भी देखा एक बार पागल है, ब्लॉग में जाएगा देख ले, ये ब्लॉग में जाने वाला है। तो भाई रात हो चुकी है, तुम बाहर देखो, और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची अब। आजा उठा उठा, हाँ लगा जा, नहीं रोक रहा, ये ले क्या लो भैया, आया कर दो आए चल। लगा पूरी जाल ला ले, इतनी ला सकती है चला। अबे मैं आए कर दो बाबू। हेलो, क्या नाम है? भैया पागल है ना, दिलदास। ये भैया पागल है ना, दिलदार बन जा मैं इधर थक चुका हूँ बहुत ज्यादा, बहुत दुबई घूम लिया, अब चलो उठ जाओ, उठा उठा चल। 1-2 खींच। चौक में रात हो चुकी है, रात और रात में हम दो लोग निकले हुए हैं, थक चुके हैं बहुत ज्यादा। अजीब रात मजा, टाइम देखो गाइस, हाँ 8:30 हो रहे हैं, इनकी हालत वे भी। ये खाओ तभी बनेगी बॉडी, ठीक है? डाइट बनेगी ऐसी, देख लो क्या बॉडी शेमिंग कर रही है, कितनी गंदी लड़की है यार। अच्छा
खा चले एक बाइट खा के दे, उसका टेस्ट रिव्यू तो दे। मगर इधर ही बंदे और नहीं खाएगा। जैसे देख सकते हो कि रात हो चुकी है और भाई हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है क्योंकि सुबह से हम शॉपिंग की शॉपिंग कर रहे थे। आज ये मान लो मैं अकेला लड़का, बाकी सारी क्या बोलूंगा मैं, बाकी सारी लड़कियां या औरतें बोल लो सब थी साथ में। इसका भी आ गया सामान और जो इसकी रियल बहन है और जो मेरी भी बहन है उसका भी आ गया। भाई चाहे कुछ भी थकान हो कुछ हो, हम सुबह जिम नहीं गए थे तो भाई अब चल रहे सीधा जिम। तो भाईयो अब टाइम देख लो 9:32 हो चुके हैं। इतनी भी थकान हो कुछ हो, जिम जाना है, अब जिम चलते हैं और फाड़ देंगे वर्कआउट वाला, ठीक है? चलो फाड़ वीडियो फाड़। और अभी बाइक चला के जाना है, पता नहीं मेरे ख्याल से कितना, आधे घंटे एक घंटे का तो रास्ता होगा ना, एक घंटे का रास्ता है, चेक कर लियो। तो चलो भाई पकाते नहीं ज्यादा, बाय, लव यू। Did you see one? Yes. थोड़ा धीरे बोलूंगा क्योंकि रात के वो देखो 2 बज रहे हैं और फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। एक बार मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ मेरी लास्ट मील, क्योंकि भाई आप ये मान लो सुबह से मैंने एक स्मूदी पी थी, उसके बाद मैंने एक मसाला डोसा खाया था, साथ में पनीर टिक्का खाया था क्योंकि भाई प्रोटीन इंटेक तो पूरा करना ही है, बट हाँ आज बाहर जाके मेरे को खाना पड़ गया और वैसे भी मैं खाता हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं खाता, बट आजकल थोड़ा मैंने कम कर रखा है। अब बारी है मेरी लास्ट मील की, एक बार बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ, एक बार जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देखो होए। तो ये मेरी ओट मिल है, साथ में मेरे 6 पॉइंट लेग्स पीले पार्ट में निकाल दूंगा। तो भाई जैसे आपने देखा है कि मेरी ओट्स मिल इतनी ज्यादा टेस्टी लग रही है और इसको सबसे ज्यादा टेस्टी क्या बनाता है, वो बनाता है एक स्कूप प्रोटीन का। अब मैं आपको दिखाने से पहले ही बता दूं कि भाई आप सभी को पता है कि मैं बहुत टाइम से बिग मसल के ही प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और ये वाला जो प्रोटीन है ये है बिग मसल का गोल्ड वेयर प्रोटीन। इसमें पर सर्विंग आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और साथ ही साथ 11 ग्राम ऑफ EAA। इसमें आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म चॉइस सर्टिफिकेशन। साथ ही साथ इसमें घुमाना पड़ रहा है थोड़ा दिखाने के लिए, इसमें आपको एक ट्रस्ट सील करके ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब क्या होता है कि काफी भाइयों को पता है कि भाई जैसे बिग मसल इंडियन प्रोडक्ट है तो लोगों को होता है कि भाई जितना कंपनी क्लेम कर रही है उतना प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ इसमें कोई बैन सब्सटेंसेस है कि नहीं है। तो भाई इस ट्रस्ट सील को आप सिंपली स्कैन करो, आप ऑटोमेटिकली बिग मसल की वेबसाइट पर आ जाओगे, वहां पर जितने भी वे प्रोटीन है उन सभी की लैपटॉप रिपोर्ट आपको दिख जाएगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहते हो कोई भी वे प्रोटीन बाय करना और थोड़ा बजट में हो तो भाई बिग मसल का प्रोडक्ट जरूर ट्राई करना, और आप अगर चाहते हो कि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिले या अच्छा खासा डिस्काउंट मिले तो अपने भाई का कूपन कोड लगा लेना जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो है BM वैभव, इसको जरूर लगा लेना। इससे क्या होगा आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप भी अपने भाई को थैंक यू बोलोगे कि हाँ भाई अच्छा खासा प्रोटीन मेरे को मिल गया डिस्काउंट के साथ, ठीक है? तो यूज कर लेना और मिनिमम जो ऑर्डर होता है वो होता है 1500, तो उससे ज्यादा कर देना और अपने भाई की इज्जत रख लेना। तो आप फटाफट खाते अपनी लास्ट मील और मैं फिर सो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ कल, ठीक है? तब तक बाय, लव यू, मिस मी, और अगर ज्यादा मिस करोगे तो मेरे को बता देना, मैं फिर उठ के ब्लॉग करना शुरू कर दूंगा, ठीक है?